ओके, तो आज का टॉपिक है TCP/IP फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो TCP तो बेसिकली आपको बता दूँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड इसका IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अभी हम TCP/IP देखने वाले हैं कि TCP/IP कैसे यूज होता है लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन में। तो फर्स्ट जो है उसका लेयर का बताया हुआ है कि TCP/IP लेयर्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल स्टैक विच आर डिफरेंट फ्रॉम द OSI 7 लेयर्स। तो OSI तो जो 7 लेयर्स होते हैं उसमें, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में आपने OSI लेयर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ होगा। उसमें OSI के जो 7 लेयर्स रहते हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, देन फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। ओके, तो यहाँ पे पहले पैकेट की डेफिनेशन बताई है। तो पैकेट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा एट द बॉटम ऑफ द लेयरिंग सिस्टम इज पैकेट। तो एक स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा होता है पैकेट का मतलब, एंड इट कंटेन्स डेटा फॉर ट्रांसमिशन बिटवीन सिस्टम एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन टू द वेयर पैकेट शुड गो। तो जहाँ पे पैकेट को जाना है, ठीक है, तो वो जो सेंडर एंड रिसीवर होगा उनके बीच का ट्रांसमिशन। अ हेडर इन एवरी प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू शो द इंफॉर्मेशन विच इज नीडेड टू मूव डेटा फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। तो बता दूँ आपको हेडर पार्ट क्या रहेगा, उसमें सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस रहता है, ताकि उसको पता चले कि कहाँ से आया हुआ है डेटा एंड उसको कहाँ पे रीच होना है। ठीक है, अ पैकेट पासिंग इन प्रोटोकॉल स्टैक इज डिस्क्राइब बिलो। अ होस्ट नेटवर्क कार्ड रिसीव्स द पैकेट विच फर्स्ट चेक वेदर इट इज अज्यूम टू चेक द पैकेट विच इज डन बाय लुकिंग डेस्टिनेशन एड्रेस। इट एक्सेप्ट पैकेट देन कीप्स अ कॉपी इन इट्स मेमोरी विच देन जनरेट अ इंटरप्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले तो क्या होता है, अ होस्ट नेटवर्क कार्ड रिसीव्स द पैकेट। तो जो रिसीवर होता है वो पैकेट रिसीव करता है, तो पहले वो चेक करता है कि उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस है या नहीं। ठीक है, और सेकेंडली वो क्या करता है कि अपने मेमोरी में वो जो डेटा है वो स्टोर कर देता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स ऑन द डिवाइस ड्राइवर टू प्रोसेस द न्यू पैकेट विच कॉपीज द पैकेट फ्रॉम NIC मेमोरी टू द सिस्टम मेमोरी। The device driver sets the packet, also called as datagram, in a place where protocol software find data's interrupt processing. A queues reside between the driver, the stack software, if many packets are being received from NIC network internet card, उसका मतलब होता है, ठीक है, NIC का। तो वो क्या करता है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करते हैं, ऑन डिवाइस ड्राइवर प्रोसेस द न्यू पैकेट विच कॉपीज द पैकेट फ्रॉम द NIC, तो वो अपने मेमोरी में भी एक कॉपी रख देता है। ओके, देन TCP/IP मॉडल एंड OSI मॉडल। तो यहाँ पे अभी आगे TCP/IP एंड OSI का डिफरेंशिएट किया है। TCP/IP मॉडल विच इज आर्किटेक्चर मॉडल हैज डिफरेंट नेम्स लाइक इंटरनेट रेफरेंस मॉडल, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस विच हैज़ 4 लेयर्स, जैसे लिंक लेयर है, इंटरनेट ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन। तो मैंने आपको अभी बताया वो क्या थे, OSI के लेयर्स थे, ठीक है, बट अभी अगर आप TCP देखने जाएंगे तो उसमें आपको 4 लेयर्स से दिखेंगे, जैसे लिंक लेयर है, इंटरनेट लेयर है, देन ट्रांसपोर्ट लेयर है एंड एप्लीकेशन लेयर है। OSI मॉडल इज अ रेफरेंस मॉडल विच हैज डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन लेवल इन नेटवर्किंग। इट हैज 7 लेयर्स, नेमली इन फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। अ पैकेट हेडर आर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट टेल्स द प्रोटोकॉल हाउ टू हैंडल द पैकेट। फॉलोइंग सेक्शन शोज द हेडर लाइक इथरनेट, IP एंड TCP एंड UDP। अभी यहाँ पे हेडर की डेफिनेशन बताएं, जैसे मैंने बोला कि हेडर में क्या रहता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस रहता है। ठीक है, तो अभी उन्होंने आगे से इथरनेट, देन TCP और UDP, वो सब में कौन से हेडर होते हैं, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है, वो स्टडी है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इथरनेट। देर आर टू टाइप्स ऑफ इथरनेट हेडर, 802.3 एंड इथरनेट 2। तो इथरनेट
ईथरनेट के दो टाइप्स यहाँ पे है। देन हेडर हैज थ्री एंट्रीज विच आर डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस एंड पैकेट्स प्रोटोकॉल टाइप। ओके, विच द डेस्टिनेशन सॉरी ईथरनेट एड्रेस आर ऑल्सो कॉल्ड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ईथरनेट का दूसरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें क्या क्या है, तो डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा, सोर्स एड्रेस रहेगा, ठीक है, देन प्रोटोकॉल टाइप रहेगा, डेटा रहेगा एंड सीआरसी उसका मतलब है चेक रिडंडेंसी चेक। आती है
तो अगर आपको पीसी का आपको इथरनेट एड्रेस देखना है तो वहां पे कमेंट है टीसीपी, सॉरी कमांड है टीसीपी डम स्पेस माइनस ई। ठीक है, ये अगर आप कमांड फायर करेंगे तो आपके पीसी का इथरनेट एड्रेस है वो जो आपको दिख जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट जो है आईपी। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो वर्जन है, IPv4 एंड IPv6। तो पहला हम देखेंगे IPv4। तो ये बेसिकली उसका स्ट्रक्चर है IPv4 का। उसमें देखो कौन से फील्ड्स है, आईपी वर्जन, हेडर लेंथ, टाइप ऑफ सर्विस 16 बिट, टोटल लेंथ, देन आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग है, फ्रैगमेंट ऑफसेट है, हेडर चेकसम है, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, प्रोटोकॉल है, टाइम टू लाइव। ठीक है, एंड डेटा। हियर स्टार्टिंग वैल्यू इज द वर्जन ऑफ आईपी हेडर, नेक्स्ट इज द लेंथ, देन टाइप ऑफ सर्विस आर यूज फॉर नेटवर्किंग डिवाइस, फॉर द कॉस्ट, रेट शेपिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन विच इज समटाइम्स कॉल्ड पैकेट कलरिंग। तो आईपी वर्जन मतलब वो आईपी का वर्जन बताएगा 4 है या 6 है। ओके, हेडर लेंथ मतलब हेडर की लेंथ कितनी है वो बताएगा। ठीक है, देन टाइप ऑफ सर्विस हमें नेटवर्किंग के लिए यूज होता है। देन टोटल लेंथ टेल्स द कंप्लीट पैकेट, लेंथ ऑफ कंप्लीट पैकेट। आइडेंटिफिकेशन नंबर्स मीन्स यूनिक नंबर विच इज यूज टू होस्ट टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पैकेट। फ्लैग टेल्स अस वेदर द पैकेट इज फ्रैगमेंटेड। फ्रैगमेंटेशन हैपेंस व्हेन आईपी पैकेट इज बिगर देन मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, दैट इज MTU, बिटवीन टू होस्ट। अभी फ्रैगमेंट मतलब क्या है कि अगर बहुत सारा बड़ा, जैसे कि यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है कि बड़ा आईपी है। ठीक है, जो आईपी एड्रेस है वो बहुत बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका फ्रैगमेंट मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं, उसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो उन्होंने एक यूनिट बोला है, जैसे एक लिमिट रहती है तो उसे कहते हैं मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट्स, उससे अगर बाहर जाता है आपका आईपी तो हमें उसको फ्रैगमेंट करना पड़ता है। ओके, टाइम टू लीव इज द टाइम हाउ मच द पैकेट स्टेज देयर। तो एक पैकेट एक जगह पे कितना रहता है, तो उसका तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम टू लीव। ठीक है, प्रोटोकॉल फील्ड टेल्स विच प्रोटोकॉल्स पैकेट शुड बी डिलीवर्ड टू। ठीक है, प्रोटोकॉल फील्ड क्या बताता है कि प्रोटोकॉल को, सॉरी पैकेट को कहाँ पे डिलीवर होना है। एंड चेकसम हैज द सम ऑफ एवरी बाइट इन आईपी हेडर। तो चेकसम बेसिकली क्या करता है, एरर को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, एरर होगी तो उसको फाइंड करके उसको करेक्ट करने के लिए। देन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टीसीपी हेडर फॉर्मेट। द स्टार्टिंग टू पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टीसीपी हेडर आर सोर्स एंड डेस्टिनेशन, नेक्स्ट टू फील्ड्स आर सिक्वेंस एंड एक्नॉलेज नंबर, एंड हेडर लेंथ टेल्स हाउ मच द लेंथ ऑफ द हेडर इज। तो यहाँ पे कुछ फ्लैग्स है। ठीक है, जैसे URG है तो उसका मतलब है अर्जेंट डेटा इन द पैकेट, देन ACK है तो उसका मतलब है एक्नॉलेजमेंट दैट डेटा रिसीव सक्सेसफुली। अगर आप सेंडर से कुछ रिसीवर को डेटा सेंड हो रहा है, ठीक है, और रिसीवर ACK फ्लैग भेजता है, तो ACK का मतलब क्या होता है कि एक्नॉलेजमेंट, तो एक रिसिप्ट होती है कि हाँ हमको डेटा मिल गया। ओके, देन PSH रिक्वेस्ट टू प्रोसेस एनी रिसीव डेटा, RST इमिजिएटली टर्मिनेट्स द कनेक्शन, देन SYN फॉर स्टार्टिंग अ न्यू कनेक्शन एंड FIN फॉर फिनिश अ कनेक्शन। तो यहाँ पे आगे फिर से TCP हेडर का फॉर्मेट है। ठीक है, तो उसमें है सोर्स पोर्ट नंबर, देन डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सिक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, विंडो साइज है, अर्जेंट पॉइंटर है, ऑप्शन है एंड डेटा है। ठीक है, और ये जो फ्लैग्स बताए हुए हैं वो उसके अंदर डाले हुए हैं। ये बहुत इजी है और एग्जाम में भी पूछते हैं। ठीक है, देन आगे हम देखेंगे UDP। तो UDP हेडर आर सिंपल देन TCP। तो इसमें खाली पांच फील्ड है, जैसे सोर्स नंबर है, सोर्स पोर्ट नंबर है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, UDP लेंथ है एंड UDP चेकसम है। आगे हम देखेंगे कंप्लीट TCP कनेक्शन। इसकी अभी इमेज नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं बोलती हूँ वो सुनो। तो जो ये है कंप्लीट TCP कनेक्शन, तो उसके तीन प्रोसेस है। अभी क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ TCP कनेक्शन, तो उसमें है ओपनिंग का कनेक्शन, ट्रांसफरिंग डेटा एंड थर्ड है क्लोजिंग डेटा। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ता है, आपको कनेक्शन ओपन करना पड़ता है, देन आप ट्रांसफर कुछ कर सकते हैं डेटा, एंड थर्ड जो स्टेप है आपको कनेक्शन जो है क्लोज करना है। ठीक है, TCP यूजेस थ्री वे हैंडशेकिंग, तो इसे कहते हैं थ्री वे हैंडशेकिंग। बेसिकली क्लाइंट सेंड TCP पैकेट एंड सेट्स द फ्लैग नंबर SYN, देन पैकेट इज सेंड फ्रॉम 192.168.1.1। अभी ये आईपी एड्रेस है। ठीक है,
तो पहले क्या होता है बेसिकली कि ओपनिंग कनेक्शन करते हैं तो पहले हमको जो रिसीवर है उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, ठीक है, कि हम ये डेटा भेजें, ठीक है। देन अगर रिसीवर वो रिसीव करता है, ठीक है, मतलब उससे जब हमको एक्नोलेजमेंट मिलेगी तब हम आते हैं ट्रांसफरिंग डेटा के पास, मतलब सेकेंड स्टेप में। तो ट्रांसफरिंग डेटा में एक्चुअल आपका जो डेटा है वो सेंड हो जाएगा, ठीक है। एंड क्लोजिंग द कनेक्शन मीन्स जब आपका सब डेटा वगैरह है सेंड करके खत्म हो गया, देन हमको जो कनेक्शन है वो बंद करना है, ठीक है। तो हम वहाँ पे FIN फ्लैग है वो सेट करते हैं, तो FIN का मतलब है फिनिश कनेक्शन। ओके ओके, देन आगे है ARP। तो ARP का लॉन्ग फॉर्म है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। Address resolution protocol maps the Ethernet address to IP address. ARP has its own Ethernet address type. Sorry, Ethernet header type. The client sees in ARP cache to check mapping between IP address and its Ethernet address. तो ये basically address resolution protocol है। ये map करने के लिए use होता है Ethernet address to IP address, ठीक है। If requested IP address is not found, broadcast packet is sent out requesting a response. If IP address is there, it will respond to the ARP request. ठीक है। तो जो पहले क्या होता है, जब client ARP catch मतलब देखता है, ठीक है, mapping between its IP address and Ethernet address. If requested IP address, तो अगर कोई IP address की request आई है, ठीक है, और हमें मिल नहीं रहा है, तो जो broadcast packet किया हुआ है, वो send किया जाता है requesting as a response. ठीक है। Then if IP address is there, it will respond to the ARP request. Then the client saves the information in its cache, further builds a packet transmission. अभी ARP header का भी एक diagram है, ठीक है, उसमें hardware type है, protocol type है, length है, protocol की length है, then source hardware address है, source protocol address है, destination hardware है and destination protocol address, ठीक है। आगे हम देखने वाले हैं ब्रिंगिंग आईपी नेटवर्क्स टुगेदर, ठीक है। तो इसमें जो टर्म है, तीन टर्म्स है, बता दो आपको मैं, होस्ट सबनेटिंग एंड नेटवर्क। तो अभी होस्ट एंड नेटवर्क क्या है, तो इंटरनेट इज अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, बराबर है, एक दूसरे से कनेक्टेड है नेटवर्क, विच इज कनेक्टेड टू द वन अनादर, ईच वन इज असाइन अ नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड है और उनको अलग अलग नेटवर्क एड्रेस है। फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ द आई पी एड्रेस स्पेसिफाइज द क्लास विच इज शोन बिलो, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क एड्रेस है तो उसके कुछ क्लास है, जैसे ABC, ठीक है, और उसकी रेंज बताई है कि A की है 10 to 126, देन B की है 128-192.167 और C क्लास की है 192.169-223। देन सबनेटिंग क्या है कि नेटवर्क डज नॉट एक्ट एज अ सिंगल लार्ज एंटिटी, इट नीड्स टू बी डिवाइडेड। तो जो अपना ये है, क्या है, नेटवर्क एड्रेस है, तो वो क्या बोला है कि वो लार्ज एंटिटी रहती है, ठीक है, तो उससे डिवाइड करना पड़ता है, तो उसे कहते हैं सब नेटिंग। सब नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू लार्ज आईपी एड्रेस, वेयर एज डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू टू और मोर नेटवर्क इज सब नेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, नेटवर्क 10.0.0.0 which can be divided into 10.1.1.0, 10.1.2.0 and 10.1.3.0. Then net mask is a 32-bit mask which divides IP address into subnet and specifies available host. It tells the IP stack which area of IP address is network and which is host. ये बहुत important चीज़ है कि net mask क्या करता है कि जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, तो उसमें से नेटवर्क वाला पार्ट कौन सा है और होस्ट वाला पार्ट कौन सा है वो बताता है। नेटमास्क आर आल्सो एक्सप्रेस इन डॉट डेसिमल नोटेशन लाइक एन एड्रेस। तो यहाँ पे देखो 255.0.0.0 फॉर क्लास ए विथ एन 8-bit नेटमास्क, ठीक है। अभी क्लास ए का जो ये है आईपी एड्रेस 255.0.0 तो उससे आता है 8-bit नेटवर्क, ठीक है। देन सेकेंड जो है 255.255.0.0 फॉर क्लास बी, इसे है 16-bit नेटवर्क। एंड जो थर्ड वाला है 255.255.255.0 फॉर क्लास सी विथ 24-bit नेटवर्क।
ओके देन आगे स्टैटिक राउटिंग क्या है हम देखेंगे. इन लैन व्हेन टू पीसी वांट्स टू कम्युनिकेट, लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में हुआ है ये. तो जब लैन में हमको पीसी कर से कनेक्शन करना है, ठीक है, कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे जस्ट सेंड एआरपी मैसेज टू गेट अनदर होस्ट मैक एड्रेस, ठीक है. तो मैक एड्रेस के लिए हम क्या करते हैं, एआरपी रिक्वेस्ट करते हैं. व्हेन यू नीड टू कम्युनिकेट बिटवीन टू और मोर लैंस, अ राउटर इज रिक्वायर्ड. अगर दो से ज़्यादा हमको लैंड में काम करना है, ठीक है, कनेक्शन करना है, तो हमें राउटर की ज़रूरत है. व्हेन कम्युनिकेशन विथ अनदर नेटवर्क इज देयर, मशीन सेट्स द डेस्टिनेशन आईपी होस्ट और अदर नेटवर्क, बट द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस विल बी द राउटर. राउटिंग टेबल मेंटेन द डिटेल अबाउट विच नेटवर्क्स आर प्लग इनटू इट. व्हेन मैन्युअली चेंजेस आर डन द राउटिंग टेबल, देन इट इज अ स्टैटिक राउटिंग. ओके तो राउटिंग टेबल क्या करता है, एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है. तो उसमें क्या रहेगा, नेटवर्क एड्रेस, नेट मास्क एंड डेस्टिनेशन इंटरफेस, ठीक है, ताकि जो एड्रेस है मतलब राउटर को पता चले कि कहाँ पे डेटा हमको सेंड करना है और कहाँ से रिसीव करना है. ओके एवरी राउटर मेंटेन्स इट्स राउटिंग टेबल. राउटिंग टेबल आर लिस्ट ऑफ नेटवर्क एड्रेस, नेट मास्क एंड डेस्टिनेशन इंटरफेस, ठीक है. यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसमें नेटवर्क एड्रेस है, नेट मास्क है एंड डेस्टिनेशन इंटरफेस है. देन स्टैटिक राउटिंग के कुछ लिमिटेशन है, जैसे इट्स मोस्टली यूज फॉर स्मॉलर नेटवर्क, स्मॉलर नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है. देन स्टैटिक राउटिंग मीन्स वी आर चेंजिंग इंफॉर्मेशन और अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ राउटिंग टेबल, सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक डन मैन्युअली एंट्रीज. एज यूर नेटवर्क ग्रोज, वन मोर राउट्स गेट्स एडेड, रिजल्ट इन टू ओवरहेड. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि अगर हम इंफॉर्मेशन चेंज नहीं करते या फिर अपडेट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि जो राउटर्स है वो चेंज होते रहते हैं, उनके कनेक्शन चेंज होते रहते हैं, तो ये पूरा मैन्युअली करना है, ठीक है. तो अगर कुछ इंफॉर्मेशन उसमें ऐड नहीं हुई या फिर अपडेट नहीं हुई, तो वो बहुत उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम पे है, ठीक है. एज योर नेटवर्क ग्रोज एंड मोर राउटर्स गेट एडेड, रिजल्ट्स इन टू ओवरहेड. तो ओवरहेड मतलब इन्फॉर्मेशन डबल ऐड हो जाएगी, ठीक है, जैसे नेटवर्क बढ़ते गया, ठीक है, और इन जो राउटर्स है उसमें ऐड होते गए, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि डबल डबल भी उसकी एंट्री हो जाए. देन डायनामिक राउटिंग विथ आरआईपी. इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन टेलिंग एवरीवन टू अपडेट देयर राउटिंग टेबल्स वुड बी अ रियल प्रॉब्लम, टू विच डायनामिक राउटिंग इज द सॉल्यूशन. एवरी राउटर नोज इमीडिएट नेबर नेटवर्क्स व्हेन इट स्टार्ट्स, सो इट टेल्स अदर राउटर्स, सो विच इज कनेक्टेड एंड राउटर्स रिप्लाई बैक. द मोस्ट कॉमनली यूज राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ओपन शॉर्टेज, पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है. तो यहाँ पे डायनामिक राउटिंग एक बताया हुआ है, जैसे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल है आरआईपी एंड ओएसपी है पे है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट. तो ये जो स्टैटिक राउटिंग में जो लिमिटेशन है, तो उसको रिकवर करने के लिए हमें यहाँ पे डायनामिक राउटिंग यूज करना है. ओके तो डायनामिक राउटिंग क्या करता है कि उसमें जो राउटर्स होते हैं उनके पास नेबर की इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है, ताकि कितना भी नेटवर्क बढ़ते जाएगा या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. ओके देन आगे आपको IPv6 टॉपिक है, बट IPv6 भी आपको कट करना है, ठीक है, IPv6 कट करना है. देन IPv6 एड्रेस फॉर्मेट कट करना है, IPv6 एड्रेस टाइप है वो कट करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे यूनिवर्सिटी से ही बताया गया था जब आपका सिलेबस आया था तो. ओके okay.